Welcome friends to the Nikamera.com channel. Finally, we have the core specification of the Nikon Z6 Mark III camera. And भैया ये जो core specification है ना ये एकदम धमाकेदार है. कहीं ना कहीं ये particular camera Canon R8 को भी काफी कड़ी टक्कर देगा. At the same time, Panasonic के S5 II, S5 IIX जो भी camera आपको इसको भी काफी कड़ी टक्कर देने वाला है. So let's explore the core specification of the camera. उसके बाद हम सारी बातें करते हैं. So the model code of this camera is N2214. ठीक है, ये है मॉडल कोड अपने Z6 Mark III कैमरे का. सबसे पहले सेंसर की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एक्सेलरेटेड सेंसर. व्हाट डज इट मीन? इसका साफ मतलब है कि जो अपने ZF का सेंसर है जिसकी रीड आउट स्पीड नियर अबाउट 22 मिली सेकेंड है 4K 30p फ्रेम रेट पे, उससे भी रिवाइज सेंसर है उसकी रीड आउट स्पीड पर काम करा गया अपने ZF के सेंसर पे, क्योंकि रेजोल्यूशन सेम है 24 MP की, बट इट इज सेड इट हैज बीन एक्सेलरेटेड इन सम वे. और ये ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है, इसका साफ मतलब ये है दैट इट हैज बीन रीडिजाइन फॉर मोर स्पीड. रीड आउट स्पीड को इम्प्रूव करा गया है. और ये पहली बार नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही. अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे यू विल हैव अ समरी ऑफ कोर स्पेसिफिकेशन व्हाट आई एम सेइंग यू टुडे. क्योंकि आज जिस हैंडल ने, चाइनीज हैंडल ने जिस स्पेक्स को शेयर करा है उसी के एक सब हैंडल ने इसके प्रीवियस भी स्पेक्स शेयर करी थी. एंड दीज हैंडल शेयर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द टाइम करेक्ट स्पेक्स. तो ये स्पेक्स भी व्हाट आई पर्सनली थिंक कि सही होने वाली है. Now moving forward, we will have Xpeed 7 image processor. And one thing that I should mention कि यहाँ पर redesign body है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको ZF style की body देखने को मिलेगी, but we will have some redesigning in the body. और इसके लिए इन्हें एक नई battery grip को introduce करना पड़ा. और ये जो battery grip है वो है MBN14. Remember the battery grip name or the code name MBN14 battery grip आएगी आपके Z6 Mark III camera. अभी तक 2 लाख की रेंज में निकॉन ZF ही ऐसा कैमरा था जिसके अंदर वो वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दे रहे थे. नाउ वी हैव द Z6 Mark III कैमरा जिसके अंदर निकॉन फिर से वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड द स्क्रीन ऑल्सो रिवर्क, खासकर अब कंटेंट क्रिएटर्स भी, यानी कि जो फोटोग्राफर भी हैं, सिनेमाटोग्राफर ही, साथ ही साथ वो अपना कंटेंट भी बनाते हैं, दे वुड लाइक और दे वुड लव टू यूज अ कैमरा विथ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन. तो उनके लिए भी Z6 Mark III कैमरा, जो कि ऑफकोर्स अभी तक Z6 सीरीज के कैमरा वो नहीं यूज कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन. तो ये सारी नई इंप्रूवमेंट है बिल्कुल ही अपने Z6 Mark III कैमरे के अंदर. चलो और भी कई नई इंप्रूवमेंट उनके बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन द इंप्रूव्ड IVS सिस्टम इन द निकॉन ZF कैमरा. आप निकॉन ZF में अपनी AF पॉइंट्स को लिंक कर देते हो अपनी IVS के साथ. सिमिलरली वी विल हैव फैसिलिटी इन Z6 Mark III कैमरा की आपकी जो भी AF पॉइंट्स है जिधर भी स्क्रीन में, उससे आपकी जो VR है वो लिंक्ड हो जाएगी और आपको कंप्लीट 7 to 8 स्टॉप्स की IBS का मैकेनिज्म का लाभ मिलेगा. ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ ए हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन दैट यू आर गेटिंग इन द Z6 Mark III कैमरा. एक और बात यहाँ पर मेंशन कर रहा है सोर्स, वो बहुत लाउड एंड क्लियर है. इस बार वो वीडियो में भी इलेक्ट्रॉनिक VR पर काम कर रहे हैं एंड दे विल ब्रिंग अप मोर स्मूथ, मोर बेटर इलेक्ट्रॉनिक VR इनसाइड द Z6 Mark III कैमरा. अब ये देखने काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसकी बाकी सारे स्पेसिफिकेशन क्या है, वो किस तरह से वीडियोग्राफिक स्टेबलाइजेशन में काम कर रहे हैं. और ये जो पर्टिकुलर जो भी इन्होंने काम किया Z6 Mark III कैमरे की वीडियो इमेज स्टेबलाइजेशन पे, वो किस तरह से डिफरेंस है अपने ZF की इलेक्ट्रॉनिक VR से, जो कि लेटेस्ट अनाउंसमेंट है अपने निकॉन की. सो इट डिपेंड्स, ठीक है, बट मोर और लेस जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है एंड व्हाट एवर यू आर गेटिंग राइट नाउ, इट सेज कि ये कैमरा बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड है कंपेयर टू द Z6 Mark II कैमरा दैट वी हैव द पास्ट. Now one more thing to be noted that dual data stream, इस वर्ड को यूज कर रहे हैं वो कि अभी तक जो Z8 कैमरा है, इवन Z8, आई एम टेकिंग द नेम ऑफ Z8 एंड ZF कैमरा, ये दोनों ही कैमरे अभी तक सिर्फ सिंगल डेटा स्ट्रीम से अपनी AF कैलकुलेशन या एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे थे. यानी कि अभी तक Z8 कैमरा इंक्लूडिंग Z8 एंड ZF की जो रिएक्शन टाइम थी, यानी कि AF ट्रैकिंग टाइम जो थी, उससे अपना Z6 Mark
थ्री कैमरे की जो AF ट्रैकिंग टाइम है या जो रिस्पांस टाइम है वो 2x इम्प्रूव कर जाएगी, क्योंकि अब इसमें डुअल डेटा स्ट्रीम टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ व्हाट विल हैपन एंड व्हाई दे आर इंट्रोड्यूसिंग सच टेक्नोलॉजीज इनसाइड दिस कैमरा. सबसे पहली बात कि अगर हम फोटोग्राफिक फीचर्स को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, वी विल फाइंड दैट द Z6 Mark III कैमरा इज एबल टू शूट अप टू 40 फ्रेम्स पर सेकेंड. यानी कि आप अपने Z6 Mark III कैमरे से फुल 24 MP की रेजोल्यूशन की 40 फ्रेम्स की ब्रश निकाल सकते हो, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड आप जो भी कहो. तो यहाँ पर ये क्लैरिटी अभी नहीं आ रही कि बफर की साइज कितनी है, बट दे आर गिविंग अस ऑप्शन ऑफ 40 FPS, जो कि कहीं ना कहीं कैनन R8 को एक सीधी टक्कर देता है. एंड अगेन इन DX क्रॉप मोड, यानी कि जब आप 1.5x की क्रॉप मोड पे जाते हो, जब आपकी रेजोल्यूशन लगभग अपने Z6 Mark III कैमरे की 10 MP रह जाती है, एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू विल हैव एन ऑप्शन टू शूट इमेजेस अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड. तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि जो AF कैलकुलेशन स्पीड है इस कैमरे को कितनी ज़्यादा चाहिए टू मेंटेन ऑटो फोकस इन एवरी फ्रेम. दैट्स व्हाई दे आर इंट्रोड्यूसिंग द डुअल डेटा स्ट्रीम टेक्नोलॉजी इन द सेंसर. यानी कि जो AF कैलकुलेशन स्पीड है वो अपने Z8 और ZF कैमरे से लगभग 2x ज्यादा इंप्रूव्ड है. एट द सेम टाइम जो ब्रस्ट और द कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है वो अप टू 40 फ्रेम्स पर सेकेंड इन फुल रेजोल्यूशन. सो आप ये देख सकते हो जो भी स्पेक्स हमें मिल रहा है, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग एडवांस 7 to 8 स्टॉप्स ऑफ IVS मैकेनिज्म इन दिस कैमरा. तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, देन इट इज मोर एडवांस कैमरा देन कैनन R8 स्पेसिफिकली इन फुल फ्रेम जोन, जब हम कंपेयर करते हैं अपने फास्टेस्ट फुल फ्रेम कैमरास को अंडर 2 lakh. विदाउट ए डाउट ये कैनन R8 से थोड़ा ज्यादा प्राइसी रहने वाला है. आई एम नॉट कंपीटिंग डायरेक्टली विद द प्राइस राइट नाउ, बट इवन इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द R6 Mark II कैमरा, ये कैमरा कहीं से भी अब कमतर नहीं दिख रहा है. कहीं ना कहीं ऑटो फोकसिंग टेक्नोलॉजी को भी वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं. DX मोड में ब्रस्ट या कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड को अप टू 120 FPS तक पुश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फ्लैगशिप कैमरेज की कोर स्पेक्स में देखने को मिलता है, और AF कैलकुलेशन स्पीड को 2x इंप्रूव कर रहे हैं कंपेयर टू देयर Z8 कैमरा, विच इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल. ये कैमरा जब अनाउंस होता है तो ऑफकोर्स आई वुड लव टू डू डिटेल्ड स्पेक्स कंपेरिजन बिटवीन अदर कैमराज लाइक द R6 Mark II एंड द अदर. सो राइट नाउ द कोर स्पेक्स जो अभी हमें मिल रही फोटोग्राफर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेसिव. एंड अबव ऑल इन सारी चीजों के ऊपर से हमें पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन मोड का सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि आप इससे मैक्सिमम 96 MP की सिंगल शॉट फाइल्स निकाल सकते हो. ऑफ कोर्स वंस द शॉट इज डन आपको फाइल्स को बाद में NX सॉफ्टवेयर में मर्ज अप करना पड़ता है. दैट्स द लिटिल इश्यू वी हैव. सो इन कैमरा मर्जिंग भी निकॉन सूनर और लेटर ले आए तो बहुत अच्छी बात रहेगी. सो ओवरऑल ये स्टिल कोर स्पेक्स था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैमरा, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्प्रेसिव इन इट्स ओन. तो चलो हम बातें शुरू करते हैं. वी हैव अ ऑप्शन टू रिकॉर्ड 6K ओपन गेट वीडियोज इन द Z6 Mark III कैमरा. अब आप ही बताओ कि कंप्लीटली ओपन हमें 6K वीडियोज की ओपन गेट की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, फुल साइज HDMI पोर्ट मिलने वाला है हमें अपने Z6 Mark III कैमरे में, 6K की जो फ्रेम रेट से वो मैक्सिमम 60 फ्रेम्स तक टच करती है, 12-bit रॉ की आप इससे आउटपुट निकाल सकते हो एप्पल प्रो रेज में, एंड अगेन जब हम इंटरनल रिकॉर्डिंग की बातें करें तो आपको 2 कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं, एक CF एक्सप्रेस टाइप बी एंड 1 इज द UHS-II. इन बोथ द कार्ड यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियो, खासकर जब आप 4K अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड रिकॉर्ड कर रहे हो, जो कि ऑफकोर्स इन 8-bit रिकॉर्ड होता है. इन दोज स्पेसिफिक सिनेरियो इट इज रिकमेंडेड टू यूज फास्ट कार्ड. बट अगेन यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि अंडर 2 lakh एक ऐसा कैमरा है जो आपको अलाउ कर रहा है एक फुल फ्रेम कैमरा कि आप 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक जाओ. ठीक है, यू नो S52X एंड S52 हैज सम लिमिटेशंस ओवर दोस थिंग्स. अगर हम 4K 60 FPS की बात करें तो वो आप 4:2:10 इंटरनली एनालॉग फॉर्मेट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो या एप्पल ProRes फॉर्मेट पे रिकॉर्ड कर सकते हो. Z6 Mark III कैमरे में निकॉन फॉर द फर्स्ट टाइम शटर एंगल को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि अंडर 2 lakh अभी एक एक्सक्लूसिव फीचर बना हुआ था
अपने S5 to S5 2X कैमरा के अंदर। हालांकि सोनी ने भी अब फर्मवेयर के थ्रू अपने FX30 में शटर एंगल को डाल दिया है, बट अगेन इन Z6 Mark III कैमरा 2 वी आर गेटिंग शटर एंगल फीचर, टाइम कोड फंक्शनैलिटी तो पहले से ही निकॉन के कैमरास में प्रेजेंट रहती, इवन Z30 हैव द टाइम कोड फंक्शनैलिटी, तो बाकी कैमरे के बारे में क्या ही बात करना। सो दीज आर द सेट ऑफ कोर स्पेक्स ऑफ निकॉन Z6 Mark III कैमरा। वीडियोग्राफी कोर स्पेक्स की अगर हम बात करें तो स्टिल पार्ट और वीडियोग्राफी पार्ट दोनों ही बहुत 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 इंप्रेसिव है, और ये कैमरा बहुत जल्द ऑफिशियल होने वाला है, और मुझे नहीं पता इस लेवल की कोर स्पेक्स के साथ आता है तो ही इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड होने वाली US के मार्केट में, और इंडिया में कब तक अवेलेबल हो पाएगा, ये सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द आपको क्लियर कर दूंगा वंस द कैमरा इज़ ऑफिशियल। बट बिलीव मी, ये अंडर 2 लाख का कैमरा बहुत ही अमेजिंग कोर स्पेक्स के साथ आ रहा है। इसकी और भी ज़्यादा अपडेट्स हमें आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।